सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यदि कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट आपके पीठ पीछे करता है, मेरा मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, वो व्यक्ति आकर आपको बताता है, तो ऐसी बात पर कभी रिएक्ट ना करें। पीठ पीछे वाली बेइज्जती को ऐसा सोच ले कि ये कभी हुआ ही नहीं, जिसने आपको बताया वो बस एक कहानी थी, क्योंकि इस पर रिएक्ट करना बेवकूफी है। और अगर कोई आपके सामने आपकी बेइज्जती कर देता है तो सबसे पहले कोशिश करो जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं उन्हीं शब्दों को उसे वापस बोल दो, ताकि उसे मालूम चले कि जो उसने बात कही है वो कितनी अच्छी थी, और ऐसी सिचुएशन में वो आपसे लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद फंस जाएगा। इस तरीके से आप आगे से अपनी इंसल्ट करवाने से बच सकते हो, और वो आपको कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। इसके अलावा अगर आप तुरंत ऐसी बातों का जवाब नहीं दे पाते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस बंदे की बात में हंस देना चाहिए और खुद भी उस मजाक में शामिल हो जाना चाहिए। इससे भी वो दोबारा आपकी इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब जानते हो लोग उसी को दबाने की कोशिश करते हैं जो दब रहा हो। तो वो अगर आपको बेइज्जत कर रहा है और आप उस पे मुंह बनाकर बैठ जाते हो या सीरियस हो जाते हो, इससे वो और आपको उल्टा बोलेगा, फिर और आपको किलचाएगा। आप ऐसा दिखाओ जैसे कि उसने वो बात आपके लिए कही ही नहीं। ऐसा करने से बात वहीं दब जाएगी और उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। और तीसरा तरीका है ऐसी सिचुएशन से बचने का, वो है ऐसे लोगों के साथ ही मत रहो, जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ रहो। इस तरह दूसरों का मजाक उड़ाने वाले या दूसरों को नीचे दिखाने वाले लोग खुद तो दुख और तकलीफ झेलते हैं और साथ ही आपको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो जितना हो सके उतना अच्छे लोगों के साथ रहें जिनमें इस बात की समझ हो। किसी को नीचे दिखाने से या बताने से हम कभी खुद बड़े नहीं बन सकते। हम बड़े बन सकते हैं तो सिर्फ दूसरे को खुद से बड़ा बताकर। तो अगर आपको या आपको अपमानित करता है तो आप इन शुरू की 2 बातों में से कोई भी एक उसी टाइम अप्लाई कर देना। और अगर इन सबसे बचना चाहते हो तो आखिरी पॉइंट को हमेशा याद रखना।